आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन से क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे? बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन। जो बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन थी वो कैसी क्लासिफिकेशन थी? जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन थी। और वो कैसे टाइप की क्लासिफिकेशन थी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक होती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो किसकी थी? बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन थी। अब बेंथम और हुकर ने सबसे पहले किसी भी प्लांट को या प्लांट की स्पीशीज़ को कैसे डिवाइड किया था? तो उन्होंने क्या किया था कि दो टाइप की डिवीज़न करी थी, दो टाइप के सब किंगडम्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली डिवीज़न की बात करें तो वो क्या था? क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया का मतलब होता है कि नॉन सीड प्लांट। नॉन सीड प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनसे क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के थे, जो सेकंड टाइप की जो डिवीज़न थी वो कैसी थी? फिनेरोगैमी। फिनेरोगैमी का मतलब होता है सीड प्लांट, जिससे क्या होगी, सीड की फॉर्मेशन होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एंजियोस्पर्म, और क्रिप्टोगैमियों में किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म। सो इन दो सब डिवीज़न के अंदर सबसे पहले क्या करा था? क्लासीफाई किया था किसी भी प्लांट की स्पीशीज़ को। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, फर्दर जो फिनेरोगम से, मतलब कि जो सीड्स प्लांट्स थे, उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थ्री पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और डाइकोट। डाइकोट और मोनोकोट्स में आप लोगों ने फैमिलीज पढ़ी है कि कौन कौन सी फैमिली है जो डाइकोट फैमिली से बिलोंग करती है और कौन कौन सी है जो मोनोकोट से करती है। अगर हम मोनोकोट की बात करें तो लिलिएसी और पोएसी फैमिली, ये दोनों कैसी है? मोनोकोट फैमिली है। और जितने भी अदर फैमिलीज हैं वो सारी क्या है? डाइकोट है। और डाइकोट फैमिली का स्पेशल फीचर क्या है कि उनके अंदर क्या, कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है उसके अलावा, क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे पास डाइकोट्स फैमिली है वो कौन कौन सी है? जैसे मालवेसी हो गई, फेबिएसी हो गई, सोलेनेसी हो गई, रुटेसी फैमिली हो गई, रेनिकुलेसी हो गई, ये जितनी भी सारी फैमिलीज हैं ये कैसे टाइप की फैमिलीज हैं? सारी की सारी डाइकोट टाइप की फैमिली है, ठीक है। अगर हम डाइकोट फैमिलीज की बात करते हैं तो जो ये क्लासेज हैं वो कितनी सब क्लासेज में डिवाइड है? जैसे देखो यहाँ पे 14 सीरीज हैं, 25 ऑर्डर हैं और 165 फैमिलीज हैं। इन सब फैमिलीज के अंदर क्या है कि ये सारी पॉइंट्स डिवाइड हैं। पीडीएफ ओपन कर रखा है, समझ में आ रहा है? डाइकोट की बात करें तो कितनी सीरीज हैं यहाँ पे? 14 सीरीज हैं, 25 ऑर्डर है और 165 फैमिलीज हैं। आप लोगों को ये अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा और ये लर्न करना पड़ेगा। जितने ये ऑर्डर्स हैं आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम डाइकोट्स की बात करते हैं तो डाइकोट में क्या है? सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो लीव्स होंगी वो कैसे टाइप की होंगी? रेटिकुलेट टाइप की वेरिएशंस होगी। और एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो कैसे हैं? इनमें 2 कोटिलीडोन प्रेजेंट है, मतलब डाई कोटिलीडोन टाइप के एम्ब्रियो है, ठीक है। उन कोटिलीडोन से किसकी फॉर्मेशन होएगी? फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी रूट होती है। और रूट सिस्टम कैसे टाइप का है? अगर डाइकोट है तो रूट सिस्टम कैसे टाइप का होगा? वेरी गुड, कैसा रूट सिस्टम होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। इसके अलावा क्या है कि जो डाइकोट है, डाइकोट सब क्लासेस में डिवाइड है। जैसे देखो पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस क्या शो कर रहा है, कैसी कंडीशन को शो कर रहा है कि जो कैलेक्स है और जो करोला है वो दोनों प्रेजेंट है। और पोली का मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था पोली मतलब फ्री फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो पॉलीपेटलस क्या हो जाएगा कि फ्री पेटल्स प्रेजेंट है। और गैमोपेटलस का मतलब होता है कि फ्यूज पेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो ये क्या है, एक सब क्लास है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टैक्सोनॉमिक रैंक पढ़ा था, टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर क्या क्या पार्ट्स पढ़े थे कि सबसे पहले क्या होता है कि स्पीशीज़ होती है। स्पीशीज़ क्या होते हैं? सिमिलर टाइप की स्पीशीज़ को किसके अंदर रखा जाता है? एक जेनरा के अंदर रखा जाता है। और जो सिमिलर टाइप के जेनरा होंगे उनको किसके अंदर रखा जाएगा? एक फैमिली में। सिमिलर टाइप की फैमिली को किस में रखा जाएगा? एक ऑर्डर के अंदर या फिर एक क्लास के अंदर। और सिमिलर टाइप के क्लास को ऐसे करके क्या है कि ये सारी क्या बन जाती है? टैक्सोनॉमिक रैंक बन जाती है। ऐसे ही क्या है कि अदर सब डिवीजन है, अदर सब पार्ट्स में भी इनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। जैसे देखो रेनिल्स, रेनिल्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? रेनिकुलेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। इसके अलावा जैसे कि मालवेल्स, मालवेल्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये सारे क्या है कि छोटी छोटी सीरीज है जिनके अंदर क्या है कि डाइकोट फैमिलीज को डिवाइड किया गया है। अगर हम मोनोकोट की बात करेंगे तो आप लोगों के पास कैसे एग्जांपल आएंगे? जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोएसी फैमिली, या फिर कौन सी हो जाएगी? लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल क्या है? क्या है लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल? लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल बताना मेरे को। इशिका, लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल बताओ। नितिका आप बताओ।
लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल, और पोइसी फैमिली का, पोइसी फैमिली, ओके। तो ऐसे ही क्या है, सबसे पहला जो डिवीजन था, सबसे पहली जो सब क्लास थी वो कैसी थी कि पोलीपेटलस। पोलीपेटलस का मतलब जो पेटल्स होंगे वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट सब क्लास है वो क्या है, गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब क्या है कि जो हमारी जितनी भी पेटल्स हैं, जो हमारे पास किसका पार्ट है, जो हमारे पास कोरोला का पार्ट है, वो क्या है, पार्शली फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या दे रखे, एग्जाम्पल्स दे रखे, ऐसी कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो पार्शली फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रूबेल्स, रूबेल्स क्या होता है कि रूबिएसी फैमिली हो गई। जैसे एस्ट्रेल्स, एस्ट्रेल्स कौन सी हो गई, एस्ट्रेसी फैमिली हो गई। इनके अंदर क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। आप लोग इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हो कि कौन कौन सी फैमिली किस किस के अंदर आती है, ठीक है। जैसे कि रूबेल्स, एस्ट्रेल्स, कंपेनलेल्स हो गए, तो ये तीनों फैमिलीज हैं। इनके अंदर क्या है कि जो पेटल्स हैं वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप लोग के कोड बना सकते हो, जैसे रैक हो गया, रैक के कोड बना सकते हो जिसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर है जो कि आप लर्न कर सकते, ठीक है, क्लासिफिकेशन लर्न करनी है तो। इसके अलावा क्या है कि बाइकार्पल्स, बाइकार्पल्स का मतलब क्या हो जाएंगी, दो टाइप की कार्पल्स प्रेजेंट होती है। ऐसे क्या है कि मोनोक्लेमाइडिया, मोनोक्लेमाइडिया का मतलब क्या है कि जो फ्लावर है वो इनकम्प्लीट टाइप का है, एक ही टाइप की पेरियंथ प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्लेमाइडस। इसके भी क्या है कि सब अलग सब डिविजन्स है, जैसे कि किसी में एक फैमिलीज प्रेजेंट है, किसी में थ्री फैमिलीज प्रेजेंट है, किसी में क्या है कि फोर फैमिलीज प्रेजेंट है, तो ये सारी क्या है कि डिविजन्स है। इसके अलावा ये तो सारी जितनी भी क्लासेस थी वो किसकी क्लासेस थी, डाइकोट। डाइकोट में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिवीजन करोगे डाइकोट में तो सबसे पहले कौन से प्लांट्स आएंगे, सीड्स प्लांट आएंगे, सीड्स मतलब फिनेरोगम्स प्लांट्स आएंगे। उसके बाद क्या होगा, इनके अंदर किसके अंदर, सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पोलीपेटलस एक सब क्लास हो गई, गैमोपेटलस दूसरी सब क्लास हो गई, और मोनोक्लेमाइडिया, मोनोक्लेमाइडिया का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट टाइप का फ्लावर होगा, आइदर मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर क्या होगा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो डिवीजन थी, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि एक तो किसके अंदर करता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर करता है, एक मोनोकोट के अंदर और एक डाइकोट के अंदर। तो अभी तक जितने भी क्लासेस पढ़ी हैं वो कौन सी पढ़ी थी, सारी डाइकोट की। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि फ्लावर कैसा होता है, कि कौन शेप का होता है। आप लोगों ने साइकस पढ़ा है, पाइनस पढ़ा है, एफिडरा पढ़ा है, तो इनके अंदर क्या है कि जो फ्लावर है वो कैसे टाइप का है, कौन टाइप का होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइक प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पेरियंथ क्या होता है कि इनके अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है। अगर हम मोनोकोटिलिडोन की बात करें तो इनके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन सी फैमिलीज है, तीन फैमिली है, कौन कौन सी, साइकेल्स हो गया मतलब साइकस हो गया, कोनीफ्रेल्स हो गया मतलब कोनीफर हो गया, पाइनस की बात कर रहे हैं हम, और क्या हो जाएगा, इसके अलावा जो थर्ड फैमिली है जैसे मोनोकोट है, तो इनके अंदर क्या है कि 7 सीरीज होती है और 34 फैमिली होती है। ये भी क्या है कि अलग अलग सब फैमिलीज के अंदर डिवाइड है, जैसे कि ये सीरीज दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पे कौन कौन से हो गए, जैसे एपिजीनिया हो गया। एपिजीनिया क्या है, इसमें जो ओवरी की पोजीशन है वो कैसी है, इंफीरियर टाइप की है। इंफीरियर ओवरी कौन सी टाइप की होती है बताना एक बार, इंफीरियर हाँ, तो ऐसे टाइप की ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा एपोकार्पेल, एपोकार्पेल में क्या होगा, तीन फैमिलीज प्रेजेंट होती है, इसमें जो कार्पल्स है वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होगी, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो ये जितनी भी सीरीज दे रखी है ये किसकी सीरीज दे रखी है, ये मोनोकोट की सीरीज दे रखी है। इसमें क्या है कि मोनोकोट की जो फैमिलीज होंगी वो सारी होगी, जैसे ग्लूमिएसी है, ग्लूमिएसी मतलब कि क्या होगा, ग्रैमिएसी फैमिली, ग्रैमिएसी कौन सी होगी, पोइसी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इन सब फैमिली को उसके अंदर आती है मोनोकोट के अंदर। आप लोगों को ये सारे सीरीज के ऑर्डर याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर हैं जिनके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज प्रेजेंट है और उनकी छोटी छोटी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैरिट और डीमेरिट। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं कि मैरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है इस क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट है, क्योंकि ये नेचुरल टाइप की क्लासिफिकेशन है, तो सबसे मोस्ट और कन्वीनियंट टाइप की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि सबसे एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा जितने भी हर्बेरियम की स्पीशीज हैं उनकी अरेंजमेंट होती है वो किसके बेसिस पे की जाती है, इन्हीं के बेसिस पे की जाती है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, ये फाइलोजेनी हिस्ट्री भी बताता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फाइलोजेनी हिस्ट्री क्या होती है कि एक टाइप का कनेक्शन होता है, किसके बीच में कनेक्शन होता है, कि एंसेस्टर स्पीशीज़
और जो रिसेंट स्पीशीज प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होता है, एक टाइप का कनेक्शन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्होंने क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको क्या करा है, एक अलग जगह पे प्लेस किया, मतलब ना तो उसको डाइकोट के अंदर रखा है और ना उसको मोनोकोट के अंदर रखा है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको एक अलग जगह पे क्या किया है, प्लेस किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो डाइकोटिलीडोन्स होते हैं वो उनको सबसे पहले रखा है, ठीक है, और जो मोनोकोट हैं उनको क्या रखा है, बाद में रखा है। मतलब कि जो मोनोकोट हैं वो किससे डिराइव हुए हैं, डाइकोट से, क्योंकि हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को कैसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है, तो सबसे पहले डाइकोट को पढ़ा है, फिर जिम्नोस्पर्म को, और फिर क्या पढ़ा है किसको, मोनोकोट को। मतलब कि जो डाइकोट हैं उनको सबसे पहले प्लेस कर रखा है, फिर उसके बाद किसको प्लेस कर रखा है, मोनोकोट को प्लेस कर रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब डीमेरिट्स का, ये तो थे मेरिट्स की, मतलब कि क्या क्या इसकी, मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल थे। अब डीमेरिट्स की क्या क्या, किस वजह से इसको डिस्कार्ड किया गया, फिर इसको कम यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की पोजिशन कैसे है कि उसको मोनोकोट और डाइकोट दोनों के बीच में रखा गया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डाइकोट पढ़ा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोट। मतलब कि क्या है कि उसकी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डाइकोट से भी मिल सकती है और मोनोकोट से, इसलिए उनको किसके बीच में रखा गया है, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो इनकी, जैसे कि इन्होंने क्या रखा है कि डाइकोट को सबसे पहले रखा और फिर मोनोकोट को रखा है, तो मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं कि जो मोनोकोट है वो किससे डिराइव हुए हैं, डाइकोट से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मोनोकोट डाइकोट से डिराइव नहीं होते, मोनोकोट्स की अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे और डाइकोट की अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। सिर्फ अगर हम बैंथम, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, अगर हम बैंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बैंथम और हुकर ने क्या करा कि दो सब टाइप की डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला डिवीज़न क्या था कि एक तो क्रिप्टोगैमी हो गया और एक फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्या होता है, सीडलेस प्लांट, मतलब कि क्या होगा उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो फिनेरोगम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीड मतलब कि सीड प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फर्दर इनको सब डिवाइड किया। सब डिवीज़न कौन कौन सी करी, सबसे पहले रखा डाइकोट को, फिर जिम्नोस्पर्म को, और फिर किसको रखा, मोनोकोट को। तो डाइकोट्स पे क्या क्या होगा, जैसे गैमोपेटलस और पोलीपेटलस, ठीक है। उसके बाद क्या था कि उसके बाद जिम्नोस्पर्म को रखा। जिम्नोस्पर्म में कितनी हैं, 3-4 फैमिलीज प्रेजेंट होती है। उसके बाद किस में रखा, उसके बाद रखा उन्होंने मोनोकोट को। मोनोकोट्स के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मोनोकोट में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे कि यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी जैसे ग्रैमियसी फैमिली हो गई, इन्फीरियर टाइप की ओवरी प्रेजेंट होंगी। तो ये सारे क्या थे कि उनकी क्लासिफिकेशन के स्पेशल पॉइंट्स थे। अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं, तो मेरिट्स के क्या क्या पॉइंट है, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एक अलग ऑर्डर में प्लेस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस मेरिट्स है जो इस क्लासिफिकेशन का, एक तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप की क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो वो क्या है कि इन्होंने क्या कहा था कि जो डाइकोट्स हैं वो किससे डिराइव हुए हैं, मोनोकोट से। मतलब कि डाइकोट को सबसे पहले रखा है, सॉरी मोनोकोट किससे डिराइव हुए हैं, डाइकोट से। मतलब डाइकोट का ओरिजिन सबसे पहले हुआ है और मोनोकोट का ओरिजिन क्या हुआ है, सबसे बाद में हुआ है। बीच में किस किस को रख रखा है, जिम्नोस्पर्म को रख रखा है। उनके जो करेक्टर्स होंगे, किसकी किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मोनोकोट्स को भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है और डाइकोट को भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है। समझ में आ गया बैंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन, ओके। अगली जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी है, एंगुलर की और प्रिंटल की क्लासिफिकेशन।